दिल्ली पे आए। ठीक है थैंक यू अंकल, हाथ तो मिले बड़े हो आप। लेकिन मेरी रेलवे स्टेशन में भी पूरा बैग चेक कराना पड़ा, और हम ना वीडियो शूट कर रहे थे तो फिर पुलिस वाले ने हमसे वीडियो तक डिलीट करवा ली यार। मारो ग्वालियर, मेरा एक दोस्त हमेशा बोलता है मारो ग्वालियर, मारो ग्वालियर ऐसो है। अरे ये जोमेटो भैया गए, यही है, यही है। तेरा फूफा है ना? तो भाई अभी अभी एक ब्लॉग खत्म किया और दूसरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ब्लॉग काफी ज्यादा लंबा हो गया तो कंटेंट भी तो निकालना है अपने को। तो भाई आज हम रिटर्न जा रहे हैं, और रिटर्न जाने के लिए लगभग वो पैकिंग हो चुकी है। जस्ट मैं अभी ये तो खाने पीने में बिजी रहता है, पैकिंग हो चुकी है। बस इसका मैं सोच रहा हूँ किधर रखूँ यार, क्योंकि इसको अपने को बैग नहीं मिला। एक अपने पास ये बैग है, साइड हेड ना भाई, साइड हेड हो भाई, हो भाई, हो भाई साइड हेड। ये एक ये बैग है, एक मेरा ये बैग है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। बहुत ज्यादा सामान हो चुका है, अब ये देखना है कि हम कैसे लेके जाते हैं। चलो ठीक है, एक तरह से मेट्रो हमें नहीं मिलेगी ना, तो फिर भी ठीक है। अभी लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया ना कि भाई हमने ड्रोन लिया है, तो अपना ये DJI का मिनी 4 प्रो है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आई कि हम इसको मेट्रो में लेके नहीं जा सकते हैं, तो हमें ऑटो ही करना पड़ेगा। तो मैं अभी तक रेडी नहीं हुआ, लगभग मेरी सारी पैकिंग हो चुकी, बस कैसे भी करके ना मुझे इस ड्रोन को एडजस्ट करना है। और मेरे साथ एक अकारत लड़का है जो सिर्फ चिल मार रहा है, एक अपना बैग पैक करके टेंशन फ्री होकर बैठा है कि ये जिसको जो करना हो करे। भाई अपना काम क्या हो, थोड़ी हेल्प करा सकता है मेरी भाई पैक कराने में? कहाँ करेगा इसको एडजस्ट, दिमाग लगा? हाँ 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 उसमें आ जाए, रेड वाले में आएगा। इतना बड़ा कोई भी कंपार्टमेंट नहीं, चौड़ाई देख लो उसकी और उसकी देख लो, उसमें एडजस्ट करते हैं। पॉलीथिन, वो नाम की पॉलीथिन थी भाई, पॉलीथिन नहीं मिली यार, एक कैरी बैग नहीं मिला। कैरी बैग देखता हूँ आसपास, अगर कहीं पे मिल जाएगा ना तो वहाँ पे मैं ले लूंगा। तो चलो ठीक है, लेट नहीं करते, फटाक से बैग पैक करते हैं। भाई तुम लोग सोच रहे होगे ना कि ये करके आ रहा है, मैं अपनी चीजें ढूंढ रहा हूँ कि कुछ छूटा ना हो। बस यहाँ तो कुछ नहीं छूटा, रूम का हाल देखो भाई, ऐसा बन जाता है और होता है यार, होता है। कितना भी कर लो ना तुम, अच्छा सोचो डिसेंट तरीके से जाओ, नहीं हो पाता भाई। ये पॉलीथिन भाई हमें मिली थी ना ड्रोन में, सोचो ये, और देखना ये पॉलीथिन थी। तो ड्रोन अपना इसमें एडजस्ट हो गया है, अपना हेलमेट ये रहा, ये इसमें मेरा रहा राइडिंग जैकेट, और इसमें रहे कुछ कपड़े और जो भी पाउच वगैरह थे, सैनिटरी बैग वगैरह थे सारे, सैनिटरी बैग बोल रहा हूँ, देख रहा, टॉयलेटरी बैग वगैरह थे सारे उसमें आ गए। ये तू लुंगी क्यों छोड़ रहा है ऐसे? गर्मी लग रही है, इतना काम हमने हड़बड़ाहट में कर दी ना कि गर्मी हो रही है। अब बचा क्या है, खाली शूज पहनना। शूज पहनता हूँ, अपने एक दोस्त से मिलते हैं यहाँ पे। भाई अपने को एक दोस्त बन गया है, काफी अच्छा बंदा है, बट वो लगता नहीं कि इधर साइड का, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो ना नेपाल उपाल साइड का है कहीं का। काफी अच्छा बंदा है, पोलाइट बिहेवियर है उसका, और हमारी काफी अच्छी खातिरदारी उसने की, जिससे मैंने अभी कोल्ड ड्रिंक मंगाया है। तो अभी देखते हैं भाई, यही कपड़े पहन के जा रहा हूँ भाई, कपड़े चेंज करने का मेरे पास टाइम नहीं है। स्टाफ के जितने मेंबर्स वो ठीक है, फुल ऑन दारू पार्टी, क्या बोलते हो? कोई मेरा सामान छूटेगा तो रख लेना, ठीक है? नीचे तक छुड़वाओगे? चलो फिर आ जाओ, हेल्प कर दो यार, इतनी हेल्प कर दो हमारी यार, है ना? इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, बस इसको आप टांग लो, ये लो, क्या ना बहुत ज़्यादा सामान हो गया यार, हालत ख़राब हो जाएगी। और इसको ले लो, इसको ले लो, अब बस हो गया, हल्का है वो, हाँ बस, थैंक यू। रिसेप्शन पे आ ही रहा हूँ मैं, हाँ चलो आ रहा हूँ, चलो चलते गाइस, छोड़ते रूम, चलो आ जाओ। बहुत वीडियो बना रहा है भाई, हम वीडियो ही बनाते हैं। हाँ यूट्यूब सेलिब्रिटी, बता के जाऊंगा यार तुमको, मैंने फेमस कर दिया, तुम मेरे भाई हो पता ही है। और कुछ है पेमेंट खाने का है, फटाक से आप बता दो, हम निकले फिर, हमें लेट हो रहा है। ठीक है थैंक यू, थोड़ा ये ऑटो तक रखवाइए क्या अंकल, ये आ जाएगा पीछे? हाँ इसको भी रख दो पीछे, ये आप रख लो ना, इसको रखो, वो भाई हो मेरे, लो ठीक है, चलो जाओ जाओ, मैं देते देते ही थक गया यार। ठीक है भाई चलता हूँ, याद रखना इसे, ठीक है भाई। जा रहे थे, अंकल ने एक जगह रोक दिया, प्रसाद मिल गया भाई खाने को, थैंक यू अंकल। भाई भाई जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, इसी में ना G20 को हुआ था। वाह कौन सा भारत, मेरे को एग्जैक्टली याद भी नहीं है। भारत मंडपम, हाँ ये लिखा हुआ है, ये लिखा है भारत मंडपम। ये बिल्डिंग कौन सी है, इसी की है ये भारत मंडपम। ओ भाई साहब, ये एरिया ना भाई पूरा साफ सुथरा, सबसे क्लीन है, क्योंकि ये पूरा ना करोड़पति वाला इलाका है, एकदम रहीसों वाला दिख रहा है अंकल, अलग से। और ये महंगा भी है पता है क्या, बट जिधर से हम रह रहे थे वो फिर भी बहुत सस्ता था, ये बहुत ज्यादा महंगा है।
गवर्नमेंट ही सब चोर है, गवर्नमेंट क्या है, प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट को पैसा देते हैं। अच्छा कमीशन, गवर्नमेंट बड़ी घूसखोर है, गरीबों का पेट मार देती है ना अंकल, एकदम फैक्ट की बातें कर रहे हैं। अंदर ऑटो वही जाएगा 20 रुपये पर्ची। नहीं अंकल आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत ज़्यादा, थैंक यू सो मच। ठीक है दिल्ली पे आए, ठीक है ठीक है, थैंक यू अंकल, हाथ तो मिले बड़े हो आप, लेकिन मेरे आदमी ईमानदारी से खाएगा ना भगवान उसको बहुत। वही वही ठीक है, आपने बहुत अच्छे से टाइम, ठीक है नमस्ते अंकल, बस बस ठीक है, थैंक यू बाय बाय। चलो यार चलते हैं अभी रेलवे स्टेशन। कहाँ से बिलोंग करते हैं हम? रीवा से अंकल, रीवा से, रीवा रीवा एमपी मध्य प्रदेश। हाँ बैग ऐसे टांग के, ठीक है नमस्ते अंकल, चलो चलो आ जाओ, चलो चलते हैं भाई रेलवे स्टेशन, वहीं पे बैठ के अपन आराम आराम से काम हम करेंगे और ट्रेन का वेट करेंगे, 5:30 बजे की अपनी ट्रेन है। ये रहा भाई हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। अरे भाई साहब एक तो इतना ज़्यादा बैग भारी है, ऊपर से इतनी ऊंची सीढ़ी है, रेलवे स्टेशन कुछ ज़्यादा ही ऊपर नहीं बना है। अभी अभी भाई ऐसी प्रॉब्लम हुई ना रेलवे स्टेशन में, भी पूरा बैग चेक कराना पड़ा और हम ना वीडियो शूट कर रहे थे तो फिर पुलिस वाले ने हमसे वीडियो तक डिलीट करवा ली यार। पूरा मैंने बैग ओपन करके ड्रोन दिखाया सब कुछ, फिर उन्होंने बोला कि ठीक हो गया जाओ, लास्ट में सब कुछ दिखाया कि हम वीडियोज़ बनाते हैं, हम इसके लिए लेके जा रहे हैं। पता नहीं क्यों आज मुझसे ही पूछ रहे हो, ऐसा नहीं होता होगा, कितने कंटेंट क्रिएटर ट्रैवल करते भाई ट्रेन के थ्रू, बट हमसे हुआ। ये रहा भाई वेटिंग रूम, यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ पे टिकट कट रही है, बट हमने देखा भाई पूरा भरा हुआ है, पूरा का पूरा, तो पॉसिबल नहीं है। अभी थोड़ी देर यहीं बैठते हैं जब तक फोन में बैटरी है, फिर चार्ज वार्ज करने के लिए अंदर बैठने के लिए हम टिकट कटवाएंगे और फिर वेटिंग रूम में वेट करेंगे। और अभी बज रहे हैं 2:30, हमारी ट्रेन को फिर भी करीबन 3 घंटे बाकी है और हम अच्छा हुआ आ गए। उसका रीज़न यही है कि आज ना कौन सी जयंती थी, वाल्मीकि जयंती थी, जिसकी वजह से ना आज भयंकर वो झांकियां वाकियाँ निकलने वाली, रैली वाली टाइप में निकलने वाले, तो पूरा जाम रहेगा रोड दिल्ली का। तो हमने सोचा कि भाई पहले निकल आते हैं क्योंकि भाई किस्मत बहुत ख़राब चल रही है यार। दिल्ली में भी ईगल दिखते हैं, मैं इसकी अभी भी जस्ट मेरे सामने आके बैठा भाई, कुछ शिकार वगैरह पकड़ के लेके आया, खतरनाक लग रहा है क्यों। इस बंदे को करीबन भाई 1.5 घंटा से बैठे तब से देख रहे हैं, ये बंदा हिला नहीं है, ऐसे गेट खोल रहा है बंद कर रहा है और वहीं पर खड़ा है भाई। बाहर निकलते टाइम में भी टिकट चेक करानी पड़ती है और इसमें टाइम भी फिक्स रहता है कि आपको कितने टाइम के लिए मिला है, उससे एक्स्ट्रा आप बैठोगे ना चार्जेस लगते हैं भाई, सीधे 1 घंटे का चार्ज हो जाता है। ट्रेन टिकट नहीं चेक कर रहे, टाइम है, टाइम के बनता है, आप टाइम कितने टाइम तक बैठना चाहते हो काउंटर बताओगे यहाँ पे और फिर वो टिकट बनाएंगे कि इतने बजे से कितने बजे तक आपको यहाँ पे बैठना है। ट्रेन मिल चुकी है, काफ़ी जल्दी लग गई यार, 5:30 का टाइम है, ये 5 बजे ही लग गई, हम 5 बजे आए तो हमें 5 बजे दिख रही है, मेरे को लगता है ये और पहले से लगी हुई है और चल चल भी रही है, अब होगी भी अपनी भी है ये, देखा उतरते ही ये रही सीढ़ी और सीढ़ी से उतरते ही भाई ये मिल गया। अरे जान दो जान दो, बोंगी है बोंगी। और ये कहाँ से स्टार्ट है, 1272 है ना, 1 उधर है भाई, ये 72 है, अपन ना स्टार्टिंग में ही है भाई। बैग ऐसे टांग के घूम रहा हूँ मैं, मेरे को मुंबई की याद आ गई, जब फर्स्ट टाइम मैं मुंबई गया था ऐसे हुआ था मेरे साथ, बैग ऐसे दो दो टांगे घूम रहा था। ये तो किसी काम का नहीं है, फालतू तुम, एकदम फालतू, एकदम फालतू। बढ़िया यार अभी से लग गई ना, और एसी भी चालू होता है, आराम से चिल्ड यार, एक बढ़िया एक तरीके से, तो मजे है मजे। अभी यहीं पे जाके भाई काम करूंगा और चुपचाप यहीं पे सो जाऊंगा, कोई इशू नहीं अपने को। अपनी कौन कौन सी थी यार, एक ये और एक वो, कौन सी वाली है, पर इधर वाली किधर वाली, 1 2 3 अबे 4 ये होगी ना, 4 और 6 थी। तो मैं क्या चाइनीज बोल रहा था, अच्छा 4 6 ठीक है। चलो यार ये वाली ट्रेन ना, उस वाली ट्रेन ज्यादा साफ सुथरी लग रही है। एक और जाती ना जबलपुर, वही है नहीं नहीं जबलपुर से ही बनती ना एक ट्रेन, वो मतलब जबलपुर से 4 ट्रेन आती है 5 भाई, ये सच में बहुत ज्यादा साफ लग रही है, इसका शीशा तक साफ है तगड़ा, भाई राजधानी गाड़ी है ना। हाँ एक नंबर लग रही है भाई, 5 स्टॉप बस कहीं नहीं, फास्ट चलती है ना एकदम खतर। और भाई तुम कहाँ से हो, जबलपुर से हो, मैं भी रीवा से हूँ, तो इसी में रहते हो क्या? हाँ, ये मेरा ही कोच भाई, पत्ते वत्ते नहीं रखे, पत्ते तो नहीं रखे। अरे यार उतने बुला लूं ना बाहर से अभी, तो हम 3 ही तो हैं, चौथा बुलाओ, ये गधेड़ा इसे खेलते नहीं बनता, पार्टी तो चाहिए भाई। बहुत तगड़ी भूख लगाई थी और ट्रेन का भी टाइम हो चुका है, मैं स्टेशन के बाहर आया था, थोड़ा कुछ लेने कुछ मिला नहीं, तो अपन पीनट्स लेते। अंकल क्या दिए जल्दी दो ना, थोड़ा कैसे दिए, कैसे दिए, 40 रुपये पाव, आधा किलो कर दो, आधा किलो जल्दी से फटाक से कर दो, ट्रेन निकल जाएगी मेरी, आधा किलो लेता हूँ, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये, पसीना फेंक दिया यार मैं, ओ मेरे को लगा था ट्रेन छूट जाएगी, बाहर कुछ नहीं मिला यार, सब भसम था। पीनट्स बस लिए है, मुझे काफ़ी पसंद है, मेरा टाइम भी पास हो जाएगा।
इनको एक तरह से टाइम पास ही बोलते हैं। अच्छा वो अभी भी खड़ी है, इतनी भीड़ थी ना मेरे को लगा निकलने में हालत खराब हो जाएगी। पुलिस वाले एक तो वीडियो नहीं रिकॉर्ड करने देते भाई, बहुत प्रॉब्लम आती है। ओ भाई रजाई के नीचे देखो, ऐसा लग रहा है जैसे डेड बॉडीज पड़ी हुई है और अंदर कुछ और चल रहा है। चद्दर के नीचे क्या है, चोली के नीचे। और इधर देखो एक बार, इसको उठाओ, इसको मत देखो, इधर देखो। तू मुंडी, तू पहले मुंडी घुसेड़ दे उसमें। अरे कुछ और दिख गया यार, कुछ और ही खतरनाक सा दिख गया। भाई हमको खाना ऑर्डर करना है, बट अभी ऐसा है ना कि 7:30 ही बजे हुए हैं और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि ये ट्रेन ना सिर्फ 5 स्टेशन पर रुक के सीधा जबलपुर पहुंच जाएगी। ये थोड़ा सा बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेज है। देख रहा मैं जुबान कैसे फिसलती मेरी। तो हमें ना खाना ऑर्डर करना है अब जबलपुर मैंने बोला ग्वालियर आएगा सीधे 10 बजे रात को, और 10 बजे तक में हालत खराब। इसका मुँह देखो भूख के मारे। सुबह से कुछ नहीं खाया, चिप्स की पैकेट के दम पे हैं। ये बात तो सही है यार, सुबह से कुछ भी नहीं खाया भाई, कुछ भी नहीं। सिर्फ चिप्स और वही जो कोल्ड ड्रिंक अपन ने तो 2 घूंट पिए बस हो गया। टाइम पास जो लेके आया था ना वो भी पूरे के पूरे रखे, थोड़े से अपन ने खाए हैं तो भूख तो लगी हुई है, बट मुझे उतनी नहीं लगी, इसको थोड़ा ज्यादा लगी हुई है। लगी है भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया, 2 बॉटल पानी पिए, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक में वो भी कोक आई थी, स्प्राइट होती थोड़ा पीने में भी अच्छा लगता है। एक बार टाइम देखो 8:30, फ्लैश के जैसे नहीं दिख रहा होगा प्रॉपर, बट एक बार ट्रेन देखो सारे के सारे सो चुके हैं, इधर की लाइट बंद हो चुकी है और लगभग उधर की भी ना सारी लाइट बंद ही हो चुकी है। हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आराम से, काफ़ी टाइम से बातें कर रहे थे, तो ये वाली लाइट हमारा काम पूरा प्रॉपर कर रही है। तो अभी ना भूख लगी थी भाई, और अगला स्टेशन आने वाला है ना ग्वालियर का 9:30 बजे, ट्रेन वहाँ पहुँच जाएगी क्योंकि 5 स्टेशन से क्रॉस कर रही है। तो हमें ना जोमेटो से लास्ट टाइम की तरह वापस से खाना ऑर्डर करना है, तो अभी हम वही ऑर्डर कर रहे थे। यहाँ का रेलवे का खाना हमें खाना नहीं है क्योंकि मेरे को मज़ा नहीं आता उतना तगड़ा, तो बस जोमेटो और करते ऑर्डर और देखते हैं क्या ग्वालियर में भी एग्जैक्ट टाइम में खाना पहुँचा पाता है कि नहीं पहुँचा पाता है। तो मैंने सारा आइटम सिलेक्ट कर लिया है और ऐड टू कार्ट पे किया है मैंने सब कुछ, और नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है पता नहीं क्यों यार। तो कार्ट में अपन ऑर्डर करते इसको और आपसे डायरेक्ट तब मिलता हूँ ग्वालियर पहुँच कर, दिखाता हूँ कि डिलीवरी बॉय आ पाता है कि नहीं आ पाता है। इसमें देखो कितना तगड़ा स्कैम दिया है, पुश करने में कुछ भी नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है पुश, और जब इसको घुमाऊंगा ना तेज आने लगता है। रेलवे भी मजाक कर रहा है, आर यू जोकिंग मी। अंदर तो सब ठीक था, अंदर ग्रीन बटन थे प्लस करने के लिए, बगल में थी आपातकालीन प्लस सुविधा। इतना गौर से बाथरूम देखते हैं, मैं देखा ऊपर ग्रीन बटन थे ठीक है, उसके बगल में जस्ट था आपातकालीन प्लस, उसके अंदर जाए किसी का अटक जाता होगा ना तो आपातकालीन फ्लैश हो, जैसे एग्जिट होता है ना आपातकालीन खिड़की होती है वैसे वाला कि पटाक से एग्जिट हो रहा है। ये बताए स्टेशन किधर आ रहा है, उधर किधर पता चलेगा, उधर ही आएगा। लास्ट वाली ट्रेन में हथौड़ी नहीं थी, हथौड़ी नहीं थी। हाँ हाँ किस काम में बता जरा पूछ। हाँ समझा, किल मूवी राघव जुयाल, राघव जुआल है ना उसका नाम, राघव जुआल किल मूवी। हाँ यूट्यूबर है, ये सब कर रहे 6,500। थैंक यू। आने लगा अभी तो, मतलब अभी तो मोनेटाइज हुआ, अब हाँ अभी मोनेटाइज हुआ, अब जब आएगा तब बताऊंगा कितना है। बस अभी खाना आ जाए, भूख लगी है। हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाए, अभी शाम के सॉरी रात के 9:30 बज के यार सुबह से। दूसरा दिमाग ठीक है, चीजें क्लियर कर, चीजें पता है जब भूख लगी रहती है ना दिमाग काम नहीं करता प्रॉपर। कैसे वीडियो बनाया करते हैं, कॉमेडी नहीं हो पाती, फेस में कॉमेडी वाला कुछ दिखता ही नहीं, थोड़ा सीरियस रहते हैं। ट्रैवल ब्लॉग ज्यादा पसंद है घूमना फिरना। मारो ग्वालियर, मेरा एक दोस्त हमेशा बोलता मारो ग्वालियर ऐसो है, मारो ग्वालियर ऐसी है। मोड़ा मोड़ी मैं वो तभी सुना था उसके मुंह से पहली बार। अरे ये जोमेटो भैया गए, यही है 59 का सीट नंबर तो 9 है। 9 नहीं है सर, 11 डाल रहा था ना आपने, पी एन आर नंबर डाला तो 11 कहाँ से आ गया। अभी 8 पे होगा ऑर्डर, ये देखो B46 है, ये देखो सुबह से कुछ खाए हो ना है, कुछ खाए हो ना है दे दो यार।
भाई ऑलरेडी कंफ्यूज है, तुम लोग और कंफ्यूज कर रहे हो यार। भाई मेरे को पहचानना पहचान ही नहीं रहा है। ये B411 ऋचा सिंह नंबर चेंज हो गया ना। ये भी वही है ऋचा सिंह। अब एक काम करो, दोनों जाके एक सीट पे खुल लेना। जो मेटो वाले को ऋचा सिंह से बड़ा प्यार है। जो बिरयानी है, बिरयानी तो हमने ना की है, बिरयानी तो हमने ना की है भैया। क्या ब्लॉगर ब्लॉगर नहीं हो गया ना? ठीक है भैया, राम राम टाटा भाई। मिल गया, हमारा मिल गया, बाकी मेरे को नहीं पता। कंफ्यूज हो गया बेचारा, ट्रेन भी छूट जाएगी बेचारे की, क्या करेगा बेचारा। अंकल एक चीज ही समझ आ रही, एक किलो कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 किसी ने तो डबल खोस लिया है। आप कहाँ जा रहे हो? जबलपुर जा रहे हो? तो ऐसे से जाओगे क्या यार? बहुत ज़्यादा भूख लगी है, फटाक से खोलते हैं। हमने ज़्यादा नहीं मंगाई इस बार, हमने सिर्फ मंगाया तंदूरी रोटी और कढ़ाई पनीर। ये क्यों देता है भाई? अच्छा यही दिया है भाई, इसमें खाते बनेगा। ये रही तंदूरी रोटी और ये रही कढ़ाई पनीर, स्मेल्स गुड। तो भाई ये रहा अपना कुछ खाना, इसको जल्दी चलो फटाक से फिनिश करते हैं। तो 1 2 लो भाई सारा खाना खत्म। भाई अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें बिस्तर भी लगाना है। यहाँ से वहाँ तक देखोगे ना तो हर एक आदमी का बिस्तर लग चुका है, लगभग लगभग कुछ लोग बैठे हुए हैं। हम ही दोनों ऐसे वेले बैठे हैं ना कि अभी रात के 10 बज रहे, हमने बिस्तर नहीं लगाया ना रेस्ट किया है, तभी रेस्ट भी कर रहे हैं हमको। तो चलो पहले अपन फटाक से बिस्तर भी लगा लेते हैं। आज मैं तुम लोग को सिखाता हूँ कि बिस्तर को ना भाई बेड को जो भी बोलना बोल लो ईजी वे में कैसे सही करते हैं और कैसे एकदम परफेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना? तो अभी देखो 1 2 तो भाई लो लग चुका है बेड और इसने लगाया है ब्लैंकेट वहाँ पे रखा है, नॉर्मल बेडशीट, और आधे घंटे भाई आधे घंटे इसने लगा दिए इसको सेट करने में। भाई जो चीज करो अच्छे से करो। अरे काम कर, मेरा भी कर दे। नहीं भाई ये बेड लगा देख व्यवहार। अच्छा लास्ट टाइम मैंने लगा दिया तब व्यवहार नहीं था। व्यवहार नहीं कमाना चाहिए, गलत बात है। ये पहली ट्रिप है, इसके बाद भी ट्रिप आएगी, ठीक है ना? कमाओ तो पैसा कमाओ। अच्छा डायलॉग तो बोल दिया, जब मैं बेड लगा रहा था आते टाइम तब तो ये समझ में नहीं आया कि व्यवहार ये वो कुछ नहीं समझ में। सिरमौर का पानी लगा ना, एहसान फरामोश हो चुका है। ये भी यूपी का बंदा हूँ भैया, उसकी यूपी का। ठीक है भाई चलो मैं भी बेड लगा देता हूँ, ये इनके भरोसे तो कुछ भी नहीं, साले अपना काम निकलवा लेंगे। मैं भी बेड लगा तो सोता हूँ चुपचाप, 10:30 बज चुके हैं। निकल खाना इतना टेस्टी था कि क्या ही कहना है। रबड़ फैल थी भाई रोटी के आगे, रोटी का प्राइस था 12 रुपये भाई, हमने 10 रुपये 12 10 हमने मंगाई थी, 10 मंगाई थी भाई। पता है क्या, हमने तंदूरी रोटी हमने मंगाई थी 12 रुपये की एक, और वो ऐसी है जैसे रबड़ हो, इलास्टिक खींचा है वो भी सॉफ्ट होती है। इधर देखो ऐसा लग रहा है भाई, बोलो कर ही जाना। व्हाइट 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 एसी वाले में ट्रेन में ट्रेवल करो ना तो ऐसा लगता है। यहाँ थोड़ा ठीक है, ब्लैक ब्लैक है, सबने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है, उधर साइड में सबने सबने ओढ़ा हुआ है भाई बेडशीट। ऐसा लग रहा है जैसे मुर्दा घर में हो गया। बात भी सही है, बट मुर्दा घर में है भी नहीं ना, इसलिए ऐसी स्माइल है, हम इमेजिन कर रहे हैं बस। हो गया नहीं, डिफरेंस ये है हमें उम्मीद है कि ये जगेंगे, उसमें बस ये उम्मीद रहती है वो जगते नहीं वाले, समझ में ही बात। अब एक काम करो निकल लो अपने बेड में चुपचाप, चल जल्दी निकल, फिर जल्दी फटाक से लेट मत कर, निकल 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 जल्दी 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 जा। इसको भी छोड़, इसको भी छोड़, मेरे सीट में पैर नहीं रखेगा ना बेटा। तेरा फूफा है ना? अपने फूफा को मूंगफली दे दियो। तो भाई लो मेरा बेड भी लग चुका है, बेड तो लगा ही था, मैंने सब कुछ भाई अरेंज कर लिया अच्छे से। अभी चलो सोते हैं, काफ़ी रात हो चुकी है और पता है सब सो गए, बस ये लाइट जल रही है और मान लो एक दो अपार्टमेंट की और चल रहा है भाई, ठीक ना? भाई ऐसी खतरनाक लोग सो रहे हैं यहाँ पे, 8 बजे सो रहे हैं, ठीक ना? तो हम ही बस जग रहे हैं, चलो हम भी सोते। इससे तो मैंने लागू अच्छा बेड लगाया हुआ है, डायरेक्ट आपसे मॉर्निंग में मिलेंगे। कहाँ? जबलपुर में। नहीं तो ऐसा किया क्या है कि हिम्मत नहीं हो रही है? बॉस 3 महीने से रेगुलर चाहता, छुट्टी नहीं ली। 3 महीने से रेगुलर चल रहे हैं, छुट्टी भी लेने का मन कर रहे हैं। तो आज कल रात बोलते हैं, कल रात में ऐसा कर दिया कि नींद नहीं आया, वो मतलब नींद नहीं खुल रही है। तेरी सुलगी हुई है शर्ट वर्ट? अरे बहुत नहीं, छींद भी बराबर है। चल भाई हमारे रीवा तेरे को बहुत मिलेंगे ऐसे, चल रीवा बहुत मजे, मजाक सेट के रीवा अपना। चलो भाई करीबन आधे घंटे और बाकी, हम पहुंचने वाले जबलपुर। बाकी सब तो ठीक है, बट जैसा ये बोझ लेके घूम रहा हूँ ना,
गया सिर्फ दिल्ली था, ऐसा लगता है पहाड़ों में गया था 2-3 महीने के लिए। आगे डमरी लटकी हुई है, पीछे गियर लटका हुआ है, ये कुली ये कुली इसका बढ़िया था ऐसे आगे, इसको कोई टेंशन नहीं है, बस घूमो चिल मारो, चलते रहो ना क्यों। आज रात में यही रुकेंगे भाई और वहाँ चलेंगे, क्या कहते हैं जो घाट गए थे ना आप लास्ट टाइम पे, तो मेरे को शाम की आरती देखनी थी, इसके वजह से मैं आज और रुक रहा हूँ, क्योंकि रुकने के लिए चांसेस। हाँ जाओ फ्रेम अच्छे से आ जाओ, कोई इशू नहीं। हाँ ये भाई ये बोलना चलना तो इतना ही कमे आवे भाई रे, कमे आवे कोई ना, जितना आवे काफी आवे। लाइक सब्सक्राइब एंड और शेयर भी होता है, शेयर भी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर यार गजब, ऐसे भाई लोग मिले तो मजा आ जाए है ना। तो भाई पहुंच गए जबलपुर, अंदर इसलिए नहीं गया क्योंकि सब सो रहे हैं बच्चे, और देखते हैं प्लान ये है कि रुक भी सकते हैं नहीं भी रुक सकते हैं, तो जो जैसा होगा वो अपन डिसाइड करेंगे। चांसेस ज़्यादा हैं कि रुकूंगा और बहुत कम चांसेस हैं कि चला जाऊंगा, जो प्लान जैसा होगा अपन देखेंगे। तो चलो ब्लॉग ख़त्म करते हैं, मैं जाके फ्रेश वगैरह होता हूँ, नहाता वहाता हूँ यार, क्योंकि हालत ख़राब हो गई है ना, बाल वाल पूरे बिखरे हुए, हालत ख़राब हो गई है, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं फिर अपन डिसाइड करते हैं कि आगे का प्लान क्या है। मैं अंदर ब्लॉग इनिशियली शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सारे बच्चे आराम से सो रहे हैं, तो कौन ही डिस्टर्ब करे उनको है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।